हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एनएस एजुकेशन में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 8 का 16 चैप्टर, और ये 16 चैप्टर जो है वो है आपका प्रकाश यानी कि लाइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट है वो होती क्या है, और हम लाइट के थ्रू देख कैसे पाते हैं, यानी कि हम किसी वस्तु को अगर देख रहे हैं तो हम कैसे देख पाते हैं, क्या इसमें इस लाइट का कोई योगदान होता है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरे पॉइंट पे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन यानी कि जिसको हम बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। तो हम परावर्तन के बारे में बात करेंगे, परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे, और परावर्तन का जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम दो डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम एक को बोलते हैं पेरिस्कोप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरा होता है आपका क्लाइडोस्कोप। ये दो आपके जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इमेजेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुल मिला के इतने फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे प्रमुख रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट वन आपका होगा। पार्ट टू में भी हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारी जो आईज हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी चीज़ आई में होती हैं, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ब्रेल लिपि आपकी होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो आज ही मैं आपको सेकेंड पार्ट भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, आंख जो होती है हमारी वो एक ज्ञान इंद्रिय आपकी होती है, और इनकी सहायता से हम अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे पर्वत हो गए, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, मनुष्य तथा हम अपने चारों की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। तो ये जो वस्तुएं हम देख पा रहे हैं, ये कैसे हम देख पा रहे हैं? तो क्या अकेली आँख ऐसी होती है जिसके कारण हम ऐसा देख पा रहे हैं, या कुछ और भी ऐसा होता है जिसके कारण हम इन वस्तुओं को देख पा रहे हैं? तो देखिए, हम बात करते हैं वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, आप हमें एक चीज़ बताइए, जब आप एक कमरे में हैं और कमरे में अगर आप अंधेरा कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आप अंधेरे में देख पाते हैं? तो आप अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप केवल नेत्र के थ्रू नहीं देख सकते, आपको देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई वस्तु रखी हुई है और जब इसके ऊपर कोई प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो प्रकाश जब वो परावर्तित होकर हमारे आंखों तक जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आईज हैं, आंखों तक जब वो आता है तब हम उसको देख पाते हैं। ये कोई लाइट सोर्स हो सकता है आपका। तो लाइट सोर्स से जब प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है, वो जब रिफ्लेक्टेड होके हमारी आंखों तक आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। ये एक चीज हो गई आपकी। दूसरी में आप बात करेंगे, जैसे कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ जो है वो दर्पण की भांति कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें, जैसे हम अपने घर में समतल दर्पण उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपका शेविंग जो मिरर होता है, ठीक है, शेव करने के लिए जो मिरर हम यूज करते हैं, वो शेविंग मिरर आपका एक दर्पण की भांति कार्य करता है, और दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो ये परिवर्तन होता कैसे है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बात करेंगे हम परावर्तन के नियमों के बारे में। तो परावर्तन के जो नियम है उसमें एक यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, हालांकि अपने को क्रियाकलाप में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ये लाइट सोर्स से एक लाइट यहाँ पे आई है, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइट आई है और यहाँ से लाइट आपकी यहाँ पे वापस जा रही है। तो ये क्रियाकलाप में इसको करके बताया गया है। अब देखिए होता क्या है, दर्पण से टकराने के पश्चात जो प्रकाश किरण होते हैं वो दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, एंड आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं हम इंसीडेंट रे, ठीक है। तो पृष्ठ से यानी कि सरफेस, तो सरफेस से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली जो प्रकाश किरण है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। हम यहाँ पे नीचे एग्जांपल में समझेंगे इसको, उसके पहले हम थोड़ा सा ये चीज समझ लेते हैं। प्रकाश किरण का जो अस्तित्व है वो एक आदर्शीकरण है। यहाँ पे आदर्शीकरण का मतलब क्या हुआ, ये आइडियलाइजेशन हमने किया हुआ है, ठीक है। वास्तव में होता क्या है, जो हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है, तो ये जो किरण पुंज होता है वो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है, बहुत सारी रेज उसमें होती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का उपयोग करते हैं। हम एक रे यहां पे हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में रे नहीं होती है, वो आ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेज वो होती है, मतलब बहुत सारी रेज होती है, डिफरेंट नहीं होती, एक सी रेज होती है, ठीक है। तो बहुत सारी रेज उसमें होती है, पूरा का पूरा एक संकीर्ण किरण पुंज वो होता है। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब क्या हो गया, नैरो बीम ऑफ लाइट, इसको हम ये बोल सकते हैं। अब देखिए,
जब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अभिलंब के बारे में, अभिलंब क्या होता है? देखिए परावर्तन का एक हम सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई सरफेस है, इस सरफेस में एक रे आई है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, या इंग्लिश में हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो जो आपतित किरण है यहाँ पे हम इसके जो भी हमारी सरफेस है, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का यहाँ से ये एंगल बन रहा है। इस 90 डिग्री पे दोनों तरफ से आप देख सकते हैं 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, इस पे ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जब आती है इस पे, तो यहां पे अभिलंब के साथ और इस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ऐसे ही ये जब किरण यहां से परावर्तित होके वापस जाती है तो यहां पे बनता है एक एंगल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये आर जो है आपका इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। तो ये इसका सिंपल सा फंडा होता है। तो अभिलंब के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या किया है, दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे, तो परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो होता है कि आपतन कोण ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये परावर्तन का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो जो दूसरा आपका नियम है यहाँ पे देखिए, क्रियाकलाप इस तरीके से किया गया, यहाँ पे हम बात करेंगे जो समतल वो बन रहा है यहाँ पे प्लेन जिसको हम बोलते हैं, जो परावर्तन का प्लेन उसके बारे में बात करेंगे कि परावर्तन का जो मतलब प्लेन बन रहा है वो कैसा है। यहाँ पे देखिए कागज की सीट पे इस तरीके से हमने अरेंजमेंट बना हुआ है, यहाँ पे एक टॉर्च से हम इस पर लाइट दे रहे हैं, तो इसमें से एक संकीर्ण किरण पुंज यहाँ से आके इससे टकरा रहा है, और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है। तो अगर जब तक ये कागज की सीट बिल्कुल सीधी रखी हुई है तब तक ये कहलाएगा इसका एक प्लेन, मतलब ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो एक प्लेन में हो रहा है, किरण आपतित हो रही है, किरण परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो ये एक प्लेन में हो रहा है, मतलब ये जो सारी चीजें हैं वो एक ही प्लेन में है। ठीक है, दूसरे पेज में हमने क्या किया है, इस पेज को हमने क्या किया है, थोड़ा सा यहां से काट के हल्का सा नीचे खिसका दिया है, आप यहां पे देख सकते हैं यहां से इसको नीचे खिसका दिया है, मतलब अभी जो रे है एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चली गई है, मतलब यहां पे प्लेन आपका चेंज हो गया है। तो परावर्तन का जो दूसरा नियम है यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है वो आपतित किरण हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में ये होते हैं। तो ये एक आपका परावर्तन का जो नियम है ये दूसरा नियम परावर्तन का कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब देखिए ये जो क्रियाकलाप यहाँ पे करे गए हैं ये वर्ण रेखा उपकरण जो होता है उसके मदद से भी हम कर सकते हैं, जिसको हम रे स्ट्रीक एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रे स्ट्रीक एपरेटस। अब हम बात करते हैं आगे, यहां पे एक क्रियाकलाप करा गया है, वो क्रियाकलाप आपको ये समझाने के लिए किया गया है कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। यहाँ पे देखिए मैं इसको आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ, ये हमारी आँख है, ठीक है, जो हम देख रहे हैं ये कोई प्रकाश सोर्स है। ठीक है, यहाँ से ये एक रेज ए आई है, तो इस रे के साथ आपका जो एंगल बन रहा है अभिलंब के साथ ये बन रहा है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं आई, फिर ये रे यहाँ से वापस होके चली गई, तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका एंगल आर बन रहा है। ठीक है, अभिलंब के साथ दूसरी भी रे यहां से आई है, ये रे यहां पर टकराई है इससे सी पॉइंट पे, और यहां जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका देखिए आई वन मान लेते हैं, ऐसे रिफ्लेक्टेड होके गई तो ये आपका आर आर वन इसको मान लेते हैं, तो अलग अलग रेज जा रही। अब देखिए ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, रिफ्लेक्ट होके यहां पे जा रही है बी से और डी से जो हमारी आंख तक पहुंच रही है। अगर हम इन दोनों रेज को पीछे लेके जाते हैं, इन दोनों रेस को पीछे लेके जाते हैं, तो ये जाके एक आई पॉइंट पे आगे मिलते हैं, हालांकि ये आगे जाके कभी भी नहीं मिलेंगी लेकिन ये पीछे जाके मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये हमें जो मिलती हुई प्रतीत होती है, डॉटेड लाइन बनाई है, मतलब हमने क्या किया, ये डॉटेड जो लाइन्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक सिर्फ प्रतीत हो रही हैं ऐसी दिखती हुई,
बाकी वन ए नहीं है, ठीक है। इसलिए जो बिंदु ओ का जो आभासी प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, आई पे बन रहा है। बिंदु ओ का जो आभासी प्रतिबिंब है वो कहां पे बन रहा है, बिंदु आई पे बन रहा है। तो ये परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो एक चीज यहां पे अपने को याद रखनी है कि इस प्रकार के जो प्रतिबिंब होते हैं वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेजेस जो हैं आपकी, वो पर्दे पर कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तुओं का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन को लेटरल इन्वर्जन इंग्लिश में बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन ये घटना पर आपने मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है उसमें भी कई फोन्स में देखा होगा कि इस तरीके का दायां भाग बाईं ओर दिखता है और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। अब हम बात करते हैं नियमित और विसरित परावर्तन के बारे में। नियमित मतलब होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और विसरित मतलब होता है डिफ्यूज्ड। अब यहां पे सिंपल सी बात है, सीधा मैं आपको बताता हूं, एक अनियमित सरफेस है, अनियमित पृष्ठ है, उस पर आपतित समानांतर किरणें। तो जब ये किरणें इस पे समानांतर आपतित होती हैं तो होना क्या चाहिए, अगर ये सीधा सरफेस होता है तो समानांतर ही वापस यहां से रिफ्लेक्ट होके जाती है, लेकिन ये समानांतर रिफ्लेक्ट होके नहीं जाती हैं क्योंकि ये जो पृष्ठ है, जो सरफेस है, जो प्लेन है, वो नियमित नहीं है, ठीक है ना। तो सरफेस के रेगुलर नहीं होने के कारण इस तरीके से, ये देखिए यहां से ये रे आई, यहां से वापस गई, यहां से रे आई, यहां से वापस गई, तो ये क्या हो रहा है, अनियमित परावर्तन ये हो रहा है। तो जब सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं, और अगर ये बिल्कुल रेगुलर नियमित परावर्तित होती हैं, आप यहां पे देख सकते हैं ये इंसिडेंट हुई, ये वापस चली गई, ए आई ए परावर्तित हो गई, ए आई ए परावर्तित हो गई, क्योंकि ये जो सरफेस है वो रेगुलर है। तो इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाली परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इसको। अब देखिए विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। ये चीज आप कभी क्वेश्चन आपसे एज इट इज बन सकता है यहां से कि इनमें से किसमें परावर्तन का जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं, तो वहां पे आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं सारे, तो आप यहां से क्वेश्चन समझ सकते हैं कैसा हम बना सकते हैं। प्रकाश का जो विसरण है गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण ये होता है। जैसे कोई गत्ता है तो उसका जो पृष्ठ है हम पिछले वीडियोज में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीज आपकी होती है। अब देखिए क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं, हाँ, मतलब 100% जो वस्तुओं को हम देख पा रहे हैं वो हम इसी कारण से ही देख पा रहे हैं। लगभग सभी वस्तुओं को आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं, जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है, इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और प्रदीप्त पिंड जो है इनको इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, याद रखें आप। और दूसरे टाइप के जो ये क्या हो रहे हैं, ये दूसरे के प्रकाश से चमक रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, मून हो गया, ठीक है। अब कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ये दूसरे टाइप के होते हैं, जैसे आपका सूर्य हो गया है, मोमबत्ती की ज्वाला हो गई या विद्युत लैंप हो गई, तो इनका जो प्रकाश है वो हमारे नेत्रों पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को देख पाते हैं। तो जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। तो ये क्या थे आपके, इल्यूमिनेटेड, जो दूसरे से प्रकाश ले रहे हैं। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये दीप्त पिंड कहलाते हैं और ये आपके प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। अब देखिए परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, हम एक बार नहीं उसको कई बार कर सकते हैं। जैसे आप नाई की दुकान पर जाते हो तो आपको अगर पीछे के बाल अपने सेट कैसे हुए हैं देखना है, तो इस प्रकार से वो क्या करता है, इस प्रकार से वो आपको दर्पण एक पीछे से लगा देता है, समतल दर्पण, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका बहुप्रतिबिंब, यानी कि मल्टीपल इमेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप नाई की दुकान में देख सकते हो। जब दो दर्पण एक दूसरे के सामने इस तरीके से लगा दिए जाते हैं और बीच में यहाँ पे कोई बैठता है तो उसके मल्टीपल इमेजेस दिखते हैं, मतलब इसमें जो दिखेगा वो इसमें, जो दिख रहा है वो इसमें दिखेगा, इसमें जो दिख रहा है वो एक और आगे उसमें दिखेगा, मतलब इस तरीके से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते जाते हैं और मल्टीपल इमेजेस वहां पे बनती जाती। अब यहां पे देखिए परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है वो है परिदर्शी, ठीक है। परिदर्शी क्या होता है, परिदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बाहर की चीज देखना है, जैसे पनडुब्बी है आपके, पनडुब्बी में आपको बाहर निकलना भी नहीं है और बाहर की चीजों को भी देखना है, तो वहां पे हम परिदर्शी का उपयोग करते हैं। ये व्यापम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये सॉरी ये आप यहाँ पे याद रखें, ठीक है। तो दो समतल दर्पण यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये पॉइंट याद रखना कि परिदर्शी में दो समतल दर्पण यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ होता है, पनडुब्बियों में होता है, टैंकों में होता है, बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे परिदर्शी क्या होता है। अब हम बहुप्रतिबिंब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दो दर्पण एक दूसरे के सामने इस तरीके से रखे हुए हैं, इनके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की इमेज एक दूसरे में दिखाता जाएगा। अब हम बात करते हैं क्लाइडोस्कोप के बारे में। तो क्लाइडोस्कोप जो है आपका एक छोटा सा एक जिसको आप डिवाइस बोल सकते हो या युक्ति बोल सकते हो, ये होती है आपकी क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप में क्या होता है, एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का जो उपयोग है वो बहुमूर्तिदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी इसको हिंदी में बोलते हैं, क्लाइडोस्कोप बोलते हैं इसको, इसमें भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्लाइडोस्कोप आप घर में भी बना सकते हो, वो कैसे बनाते हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया, एक प्रिज्म, ये दर्पण लिए हुए हमने जिनकी बाहर की जो सरफेस है उसको हमने पॉलिश किया हुआ है, इस तरीके से हमने एक प्रिज्म के आकार में इनको डिजाइन किया है, और इसके बाद एक सिलेंड्रिकल शेप में हम एक ये गत्ते का बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, उसको लगा दिया, और इसको ऊपर की जो सरफेस है इसकी बंद कर दी है, उसको हम अलग अलग कलर से भी कर सकते हैं। इसमें जो ये नीचे की सरफेस है ये आपकी ऊपर की सरफेस है, तो इसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा छिद्र किया हुआ है, एक छोटा सा होल किया हुआ है, तो इस होल के थ्रू हम इसमें देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न उसके अंदर दिखाई देते हैं, ये आपका क्लाइडोस्कोप आपका होता है। देखिए ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं, क्लाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार क्लाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं, तो ये चीज आपकी यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है आपका सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश के बारे में क्लास 7th में पढ़ाया गया था, तो हमने अलग ये भी नहीं पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये श्वेत होता है या रंगीन होता है, तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो श्वेत होता है, लेकिन वो फिर भी 7 कलर्स से मिलके बनाता बना होता है, और जब ये 7 कलर्स मिलते हैं तो वो कौन सा कलर बनता है, वो सफ़ेद कलर आपका बनता है। तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है, और उसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम अगला जो है वो हमारे नेत्रों की संरचना क्या है, नेत्र के बारे में, और ये सब जो ब्रेल लिपि वगैरह है इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आँखों की केयर हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। उल्लू रात में देखता है तो वो क्यों देखता है, तितलियाँ कैसे देख पाती हैं, ये केड़े जो होते हैं वो आगे का देख लेते हैं, पीछे का भी देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।